जीवन के अंदर मातृभूमि के लिए संघर्ष किया, अपने जीवन का आधा हिस्सा अपने दोस्त अपने सुरक्षा कर्मचारी जो शहीद हुए राष्ट्र की मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए। एक जवान है जो मौत का कफन बांध करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान होता है और राजस्थान की धरती को इस काम में शुरू से लेकर आज तक आजादी के बाद से आज तक हमेशा जवान कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है और रोज उनकी बॉडी हिंदू मुस्लिम के साइयों के खून के तिरंगे झंडे में आती है। एक है कि वर्दी के बगैर हम अपने राष्ट्र की क्या सेवा कर सकते, क्योंकि ये तो तय है कब किसने कहां एक दिन इस मातृभूमि की मिट्टी में समाना है, ये तो तय है, इसको कोई टाल नहीं सकता। पर मातृभूमि सदियों सदियों तक जिंदा रहे, हम रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, इसके ऊपर हम कैसे विचार कैसी सोच रख सकते हैं। हम शिक्षा देते हैं, माता पिता कितनी मुश्किल के साथ हमें अपने घर से भेजते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, हम बड़े होते हैं अपने अपने मिशन पे निकल जाते हैं, आप एडवोकेट बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, पर मन के अंदर ये भावना होनी बहुत जरूरी है। हम अपने लिए, हम माता पिता के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा फ्यूचर, सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ा मिशन प्रथम राष्ट्र मातृभूमि, जिस मातृभूमि की हम बड़े भाग्यशाली, ये खून से लथपथ मिट्टी है, ये मातृभूमि कण कण में खून गिरा, कहीं महाराणा प्रताप जी का हो, कहीं राणा सांगा का हो, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी का हो, उनके साहबजादों का हो, उनको कैसे नियम में चिन्हवाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शहीद आजम भगत सिंह जी हो, राजगुरु सुखदेव हो, मंगल पांडे हो, इस्तफाकुल्ला का हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय लाठियों से शहीद किया गया, तो ये धरती कोने कोने में काले पानी तक जहां जुर्म किए जाते थे आजादी मांगने वालों के ऊपर और उनको जहां रखा जाता था, जितनी ये चौड़ाई जितनी मोटी दीवार होती थी, अगर एक जगह भी उसको जहां उनको रखा जाता था जेल में, उनके ऊपर जुर्म किए जाते थे तो उनकी आवाज दूसरी तरफ जाती नहीं थी, खुद वो मिल दूर हिंदुस्तान से काला पानी। हमने कभी सोचा ही, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये राष्ट्र आजाद कैसे हुआ। हाँ, हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, तिरंगे झंडे बड़े खुशी खुशी से अपने स्कूटर पे कार पे घर पे लगाते हैं, पर वो लगाने का क्या फायदा अगर हम उसकी तिरंगे झंडे की सोच पे नहीं चल रहे, सिर्फ वो दिन आएगा तो दिन याद करेंगे, नहीं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, करना है तो वो ऐसा करना है जिसका समाज को और मातृभूमि को एक अनुसरण, उसका कोई ना कोई हम फायदा करें कि हमारी मातृभूमि कैसे कमजोर हुई थी और कैसे इसको हम मजबूत करना चाहते हैं। एडवोकेट बनना कोई छोटी सी बात नहीं है, जजेस के सामने जाके किसी के केस की वकालत करनी कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती। तो अगर आप अपने मिशन को लेके कोई शहीद परिवारों के लिए खड़ा होता है कि मैं इसके लिए फ्री केस लड़ूंगा, जो मैं एडवोकेट बनूंगा मेरा मिशन है, मैं सामाजिक इस बुराई के लिए काम करूंगा ये मेरा मिशन है, तो शायद पॉलिटिशियन बड़े बड़े ऑफिसर वो काम नहीं कर सकते,
जो आपके हाथ में कलम है, जो आपकी जबान करेगी, जो आपने शिक्षा ली है, आप बताने देश की कितनी सेवा कर सकते हैं। आई दुख की बात है, बड़े बड़े एडवोकेट हैं हिंदुस्तान के अंदर, कपिल सिब्बल है, के एस तुलसी है और भी एडवोकेट है, सेंटर में मिनिस्टर है, कई चिदम्बरम है, बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े इतिहासकार हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, मेमन है बॉम्बे के, मेमन का नाम सुन बॉम्बे से, वो टेररिज्म के ऊपर होता है तो वो बहस में आते हैं, टेररिस्टों के फेवर में आते हैं, मजीद मेमन, अब वो मेरे पे टेलीविजन पे कई बार बहस करते हैं, हमारी बहस होती है टेररिज्म के ऊपर, इसको फांसी होनी चाहिए, इसको नहीं होनी चाहिए, इसको ये सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 93 में ब्लास्ट होता है बॉम्बे के अंदर, इतने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वो मेहमत जैसे वकील, रामगेट मलानी जैसे वकील, अपने चिब्बल जैसे वकील, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े इतिहासकार, सब रात को कोर्ट खुलवा देते, किसको बचाने के लिए? बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले, बच्चे यतीम करने वाले, हम चलाने वाले, हमारे दुश्मन पाकिस्तान लेने वाले, उनके इशारों पर चलने वाले, हमारे मुल्क को तबाह करने की जरूरत है, और उनके लिए वकील खड़े हो जाते, कोर्ट खुलवा देते। मेरा आपसे सवाल है कि वकालत को क्या करते, ये किस काम की है वकालत, किस काम की है वकालत, राष्ट्र के खिलाफ है ये वकालत? अब वो चैनल के कहते हमारा तो पेशा है, मेरे से हमारा तो पेशा है, मैं कहा तेरा पेशा मदद करना, तेरा पेशा, हमने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था, क्योंकि जब उनको लाइव चलता है मैं पूरा खुला चैलेंज करता हूं, प्रथम राष्ट्र आप पैसे के लिए, मैं राष्ट्र के लिए, मैंने तो किताबें नहीं पढ़ी, आपने तो किताबें पढ़ी, पर मेरे लिए राष्ट्र पहले हो जाते, तो ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल है कि हम जब एक वकालत को ले लेंगे, कर लेंगे, तो हम किसी भी मंजिल पे पहुंचेंगे, हमारे असूल जरूर होने चाहिए कि किसी का हमारे हाथों से बुरा वकील केस लड़ेगा, पर कहीं ये भी देखना होगा, कहीं मैं केस गलत व्यक्ति का तो नहीं ले लिया, हमें सोचना पड़ेगा। मेरे तो देखो विचार ये है, मैं बड़ी पावर में रहा, मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्टर के बाद मेरे पास कभी पावर नहीं, मेरे पास बड़े लोग आते थे, ऐसा करो तो इतना बच जाएगा, ऐसा करो तो इतने करोड़ बच जाएगा, मुझे एक ही याद था यार, जाना तो एक दिन है, किसी के बच्चे होंगे, किसी की पत्नी होगी, किसी के माता पिता होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके साथ धक्का करेगा, हदों रुपये लगेगी, फतवा तो लगे कि वो जो फतवा है वो भगवान की होती है, किसी इंसान के दुखी हृदय से अगर निकली हुई बात कहीं किसी को दे दी तो समझो वो भगवान की आवाज है, वो फतवा तो लगती है। मैं नहीं ऐसा काम करूं, मेरे के कितने बम चले, 14 बार हमले हुए, कई लोग मेरे साथ, मेरे दोस्त शहीद जवान हो गए, मैं बच जाता रहा, मैं भी चाहता था उनके साथ चले जाता, पर उनकी शहादत आई थी, मैं बच गया, कहीं ना कहीं किसी ने दुआ तो मुझे दी होगी, दुआ तो कितनी होगी, तो आज इतने बंगों से बचाऊं मैं आपके पास हूं, तो कोशिश करना चाहते किसी मुकाम पे मंजिल पे पहुंचोगे तो ये जरूर सोचना कि ये काम मैं करने जा रहा हूं, किसी का बस दिल ना दुखे, इंसाफ मिले दिल ना दुखे, और कभी आप में से कोई जज बना, जज भी बनते हैं एडवोकेट में से, जब जज बनते मेरी आपसे औरों से सोच अलग हो, जज है तो जज की लाइन एक होनी चाहिए, और जज किसी को मिले ना, वो जज वो होता है जो पब्लिक फंक्शन में ना जाए, मेरी सोच है, आपकी सोच क्या मुझे नहीं पता, किसी पब्लिक को ना मिले, हाँ मिल सकते सोशल कामों में, किसी से दोस्ती ना रखे, अपने घर में किसी फालतू आदमी को ना मिले, किसी पार्टी में ना जाए, जाता है तो वो उसी सर्कल की होनी चाहिए, उस जज का किसी से लिंक नहीं होना चाहिए, ये मेरे विचार है, जज जज, मैं नहीं किसी को जानता हूं, मेरा कोई रिलेशन नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा रिश्तेदार
मेरे पर तो आप में से कुछ जज बन जाता है, मेरे आपसे संबंध है, मैं आपको जरूर कहूंगा यार इसको जरा देख लेना। और ऐसे जजेस है भी, वो सुनते हैं। तो फिर हमने क्या किया, जब उस जज ने क्या किया, उसने तो कानून का अपमान कर दिया, उसने तो राष्ट्र का अपमान कर दिया, उसने तो किसी का दिल दुखा दिया। सिफारिश क्यों, सिफारिश पॉलिटिक्स में चलती है, सिफारिश सरकारों में चलती है, सिफारिश प्रशासन में चलती है। कोर्ट में ही अगर सिफारिश चलनी शुरू हो गई तो आम आदमी कहां इंसाफ मांगेगा। शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का सपना कैसे पूरा होगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं, गरीब अमीर बड़ा छोटा सबको इंसाफ, हम ऐसा राष्ट्र चाहते। वो तो नहीं हुआ, राजनीति गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी, उसके बाद राजनीति गुलामी आई, पॉलिटिकल टेररिज्म आया है और रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्टों के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम ठीक नहीं, पुराने संबंध, पुराने लिंक, अपने चिपल जैसे लोग, एसपी जैसे लोग, पुराने कईयों के संबंध होंगे। मेरे ऊपर 93 में ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, 35 लोग मारे गए, जवान शहीद हुए, केस लड़ते लड़ते मुझे 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। राजस्थान पुलिस ने उस टेररिस्ट को पकड़ा, फॉरम से लेके आए, इस लड़े, पैसा जेब से लगा, 3 टेररिस्ट छूट गए, कपल के बल पेश हुए, 1 टेररिस्ट को छोड़ दिया गया मतलब परोल पे ले आए। क्या परोल पे ले आए, इसके दिमागी रूप से जो शहीद हुए, एक राजस्थान का जवान था मेरे साथ शहीद हुआ, कोई उत्तराखंड कोई और, उनके परिवार का किसी वकील को दुख नहीं, किसी जजेस को दुख नहीं, उसका परिवार, उनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, दुख है। जिसने बेगुनाहों का खून किया, जिसने मेरे पे प्रहार किया, उसकी पीड़ा है, उसका दिमागी परेशानी है, उसकी घर की परेशानी क्या है मालूम नहीं, इसको तो बाहर लाना है। क्योंकि इलेक्शन है पंजाब में, हमें वोट चाहिए, दिल्ली केजरीवाल ने चुनाव लड़ना है, वोट चाहिए, सिख वोट चाहिए, कहीं हिंदू वोट चाहिए, किसी मुसलमान वोट चाहिए, अस्पताल आ जाते हैं, फिर पॉलिटिशियन लग जाते हैं, एडवोकेट चौकी लग जाते हैं, फिर उसको उसके घर ही भेज देते हैं पंजाब में, जेल में। नहीं, जेल में ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसको आप बहुत बढ़िया एयर कंडीशन कमरा हॉस्पिटल में दे दिया जाए, उसको अभी हॉस्पिटल में एयर कंडीशन कमरा है, टीवी लगा हुआ है, दिमागी परेशानी है। नहीं, आप इनको परोल पे छोड़ देते हैं, इलेक्शन आ गए, मजा आएगा, वोट मिलेगा, परोल पे छोड़ देते हैं, फिर अंदर जाता है, फिर 5 बार परोल पे आ जाते हैं। ये मैं अपनी हालत बता रहा हूं, मेरे जैसे गांव में बैठे हुए जवानों की पत्नियां, उनके बच्चे लाखों ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होंगे। मैं अपनी बात अभी आपको बता रहा हूं, जो कुर्सी साहब केस लड़ते हैं उनको राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है, जो चिब्बल साहब केस लड़ते हैं वो कैबिनेट के मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इसको क्या कहोगे, राजनीतिक गुलामी नहीं, क्या पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं, क्या देश आजाद था, क्या भगत सिंह जी का देश आजाद समझते हैं? भगत सिंह जी ऐसा भारत नहीं चाहते थे, स्वतंत्र भारत चाहते थे, आम आदमी को इंसाफ मिले, सड़क में जाते हुए आदमी को इंसाफ मिले। अगर ये जवान ने वर्दी पहनी है, इसकी फीलिंग को समझे, इसको इंसाफ करे, इसको अप्रोच ना करे। मैं कोर्ट में जाता ही क्या जाऊंगा, जीवन छोटा है, कितना टाइम और लगाऊंगा, 20 साल लगे, अब फिर जाऊंगा मैं, फिर मेरा 10-15 लाख लगेगा, पहले इतना लग चुका, कोर्ट पता नहीं क्या फैसला सुनाएगा, उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, मैं बड़ा नहीं कर सकता, सीधी सी बात, मैं सिंपल के मुकाबले में एडवोकेट नहीं खड़ा कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरों के लिए लड़ता हूं, अपने लिए था गया, अफजल को फांसी दिलाई, मेमन को फांसी दिलाई, परिवारों से मिलकर के सरकारों पे जोर डालके, पर अपनी लड़ाई हार गया, क्योंकि ये ना लगे जा रहे अपनी लड़ाई लड़ता है, मैंने लड़ाई दूसरों की, राष्ट्र की लड़ाई है।
ये जिंदगी की हकीकत और सत्य। एक एडवोकेट मेरा दोस्त है दिल्ली में, एक मैंने बड़ी एडवोकेट, कोई एडवोकेट जनरल बनाए, कोई डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाए, दो दो रिकमेंड किया, मेरे हाथ से कुछ जज भी बने होंगे। खैर मुझे एक बात याद है कि जब मैं पावर में था तो बड़ा असूली आदमी, मुझे ये सिस्टम का पता नहीं, मुझे इतना पता होता है जज जज है बस, उसको मैं भी मिलना चाहूंगा। यानी मुझे कई ऐसे जजेस मेरे वापस में कहेंगे हमारे घर आइए, ना मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मेरे साथ सुरक्षा होगी, मैं आपके घर आऊंगा, लोगों को पता चलेगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा पॉलिटिशियन भी हूँ, फिर लोगों को पता चलेगा मैं उस जज के करीब हूँ, फिर लोग मुझे अप्रोच करेंगे, मैं राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ। पर मुझे याद है यहां तक कि जब मैं पावर में था, मेरे पास बड़े सीनियर एडवोकेट आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहते जी हमारी फाइल ये हमारी अब थोड़ा कह दीजिए पीएम हाउस में, लॉ मिनिस्ट्री में हमने हाई कोर्ट के जज का हमारा केस है। मैंने पहली बार कहा क्या पॉलिटिशियन जजेस को बनाते हैं, ये मेरा एक सवाल और बहुत बड़ा प्रश्न था। मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं जज को कैसे बनाऊंगा, मुझे ये नहीं समझ आया। नहीं जी जरा पीएमओ में कह दीजिए और लॉ मिनिस्ट्री में कह दीजिए और फलाने फलाने में कह दीजिए। पहली बार मुझे सिस्टम का पता बहुत बड़ा झटका लगा और ये कहा उस एडवोकेट ने, खैर हमने उनका सिफारिश ही नहीं किया, ये कहा कि साहब आपकी छोटी सी स्लिप भी आएगी ना ऐसे करके किसी के हाथ में, कसम किए भूल को भी छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस आप बना दीजिए बस। सीनियर एडवोकेट अभी तक याद है, मुझे याद है कि मैंने अपने डीएन को बुलाया, अपने जो पेपर दिया था बायोडाटा उसको पढ़ा, अपने पैरों से रोंदा और मैंने कहा टुकड़ों को उठा और आग लगा दी, ये मेरी जिंदगी का कड़वा सच है। मुझे उतने साफ हुआ जहां पॉलिटिशियन जाके बनाने में सिफारिश करने शुरू कर दे, फिर भगत सिंह जी का, राजगुरु सुखदेव का, आजादी का जो मिली है उसका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपको यह भी बता दू दो मिनट पर, मैं कुछ किताबें डूबे नहीं पढ़ा, मैंने जिंदगी की हकीकत को पढ़ा है, बार बार मौत को देख करके बचे हुए बम्बों से जीवन जो है उसको रिसर्च किया कि हम खड़े कहां, जिम्मेदारी को समझो, कभी मत समझो कि पॉलिटिशियन इस देश को बदलेंगे। हाँ नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर हमें अपनी जिम्मेदारी को हर व्यक्ति को कैसे निभानी है उसके ऊपर आपको खड़े रहना। एक चीज और बताऊंगा भूल गया, एक वकील है जिसके नाम है मुरारी जी एडवोकेट, दिल्ली में होते हैं, बड़े हाथों से मैंने बनाए पर काम कोई नहीं आया, अगर इस मुश्किल के समय में काम आया वो मुरारी वकील जी हैं दिल्ली में, कभी भी कोई तकलीफ होती है उनको कहता हूं ये खड़े हो जाते हैं, है ईमानदार खड़े हो जाते, कभी मुझे कमजोर नहीं होने देते, बहुत बड़े वकील नहीं छोटे हैं पर छोटे होकर दिल इतना बड़ा है, धोखा नहीं करते। वंदे मातरम, जय, फिर आऊंगा आपके पास बैठ।